Hello students, so welcome to the last part of hydrology and irrigation. With this, I am going to wind up with the syllabus of hydrology and irrigation and we are going to move on with the another course. ठीक है, तो इस आखिरी वीडियो में I am going to talk to you about some special aspect of hydrology which I have left out until now. तो पहला वाला जो है, explain the various types of precipitations based on the formation of clouds. यानी कितने प्रकार की precipitation है उनके बारे में ब्यौरा दीजिए. तो जो पहली प्रकार की प्रेसिपिटेशन होती है, दिस इज कन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन. कन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन होती है. दूसरी टाइप की जो प्रेसिपिटेशन होती है, दिस इज ओरोग्राफिक टाइप प्रेसिपिटेशन. ओरोग्राफिक टाइप प्रेसिपिटेशन होती है. तीसरी हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन होती है, दिस इज साइक्लोनिक टाइप प्रेसिपिटेशन. और चौथी जो होती है, दिस इज फ्रंटल टाइप प्रेसिपिटेशन. ये चार प्रकार की प्रेसिपिटेशन होती है जिनके बारे में मैं आपको इस सवाल में बताऊँगा. तो कन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन क्या होती है? कन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन एक सिंपल प्रेसिपिटेशन होती है. पानी की सतह होती है, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये जो पानी की सतह होती, पानी होता है गर्म, पानी के अंदर के जो पार्टिकल हैं वो बाहर निकलते हैं, वेपर के फॉर्म में आते हैं. वो वेपर राइज अप होती है, राइज होती है, ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर ऊपर बनते हैं क्लाउड्स, और क्लाउड्स बन के फिर वो बरसात हो जाती है. सिंपल फिनोमेना जो आप लोगों को पहले से पता होगा, दिस इज कन्वेक्टिव टाइप प्रेसिपिटेशन. दूसरी आती है ओरोग्राफिक टाइप प्रेसिपिटेशन. ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक मतलब क्या? मान लेते हैं कि हमारे पास फिनोमेना है, पानी है, पानी की जो वेपर्स हैं, पानी जैसे ही उसके अंदर के पार्टिकल्स बाहर निकले तो वेपर बन गया. वेपर बना तो उस वेपर को हवा अपने साथ उड़ाते हुए ले गई. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वेपर अभी नीचे ही है, वेपर ऊपर नहीं गई, हायर ऑल्टीट्यूड पर नहीं गई. ऐसा है तो क्या हुआ कि वो क्लाउड्स के फॉर्मेशन पे नहीं आई क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम नहीं हो पाया. तो क्या हुआ, ये उड़ती हुई वेपर जो है, अगर मान लेते हैं कि ये है पहाड़, ये आई उड़ती हुई वेपर हमारे पास, ये जो वेपर है इस पहाड़ को तो वो क्रॉस कर नहीं सकती. तो वो क्या है, हवा उसको पुश कर रही है उन वेपर्स को. ये वेपर्स क्या करेंगी, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी. जब ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगी तो यहाँ पर क्या है, ठंडक, यहाँ पे टेम्परेचर कम है. यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से यही जो वेपर है, ये जब ऊपर जाएंगी तो ये क्लाउड्स बन जाएंगी. जब ये क्लाउड्स बन जाएंगी तो हो जाएंगी हैवी. जब हैवी हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी कि पहाड़ के इस सिरे पे आके क्या करेंगी, प्रेसिपिटेशन कर देंगी और यही पानी जो है वो नीचे बह जाएगा, है ना. दैट इज़ वाई ऑन द विंडवर्ड साइड, जब भी पहाड़ के दो साइड होते हैं, लीवर्ड और विंडवर्ड. विंडवर्ड साइड यानी वो पहाड़ की, वो पहाड़ की साइड जहाँ से हवा उसको हिट कर रही है, दैट इज द विंडवर्ड साइड. विंडवर्ड साइड में जो प्रेसिपिटेशन होती है, दैट काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज ओरोग्राफिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तीसरी प्रेसिपिटेशन होती है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. तो साइक्लोनिक में क्या होता है, क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना. हमारे पास जमीन है, ठीक है, जमीन में कुछ एरिया है जो कि ज्यादा गर्म है, कुछ एरिया है जो कि मीडियम गर्म है, कुछ एरिया है जो कि ठंडा है. तो ऐसे करते करते क्या होता है कि जो हवा होती है, जो वेपर्स होती हैं हमारे पास पानी की, वो क्या कर रही हैं, वो उड़ रही हैं. तो जहाँ पे गर्मी रहेगी उस जगह से वेपर मूव कर जाती हैं, जहाँ ठंडक रहती है वहाँ पे वेपर क्या करती हैं, एक्यूमुलेट होने की कोशिश करती हैं. तो ड्यू टू दिस डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ द लैंड और जिसके ऊपर से ये वेपर जा रही थी, ये जो सारी जो हमारे पास वेपर्स होती हैं ये जाके कन्वर्ज करती हैं कोल्ड एरिया में. और वहाँ पे जब वो कन्वर्ज करेंगी तब वो जाके एक स्पाइरल फॉर्म का एक क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन बना लेंगी. दैट इज़ नोन एज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. वहाँ पे जब वो कन्वर्ज कर जाएंगी तो वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन जनरेट होगी, दिस इज़ नोन एज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. और आखिरी होती है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन. फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या होती है कि जब भी नीचे की गर्म हवा और ऊपर की ठंडी हवा वो दोनों आपस में एक दूसरे से आके मिलती हैं और ऐसी टकराती हैं एक दूसरे से, तो क्या होती है, नीचे की जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की ठंडी हवा से जब वो कॉन्टैक्ट में आएगी तो इन दोनों के कॉन्टैक्ट के जो सरफेस होगा, सरफेस तो नहीं कह सकेंगे, सरफेस तो ज़मीन पे होता है, इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट होगा, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर बादल बनेंगे और इन बादल से जो प्रेसिपिटेशन होगी, दैट काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नोन एज फ्रंटल टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये चार प्रकार की प्रेसिपिटेशन होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. इस पर सवाल आ चुके हैं पहले भी और आने की संभावना है आगे जाके भी. मूविंग फॉरवर्ड, तो सेकेंड होता है नेम अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज. रेन गेज का एक नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज के बारे में बताइए. तो पहले आप ये समझिए रेन गेज क्या होता है. रेन गेज यानी
बरसात को मापने का यंत्र, बरसात को मेजर करने का जो यंत्र होता है, दिस इज नोन एज रेन गेज। ठीक है, रेन गेज के दो प्रकार होते हैं, रेन गेज के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज हमारे पास। ठीक है, रेन गेज के दो प्रकार हो गए, रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, एक ऐसा यंत्र जिसमें लगातार पानी के, जिसके अंदर पानी, जैसे एक बरसात आई, उस यंत्र में जो पानी के अंदर, उस पानी के जो लेवल है उसमें कितना बदलाव आ रहा है उसको कंटिन्यूअसली अगर मॉनिटर किया जाए पूरे समय तक, तो दैट काइंड ऑफ रेन गेज इज नोन एज रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। और एक ऐसा रेन गेज होता है जिसमें कुछ नहीं होता, एक डब्बा होता है, डब्बे को हमने वहाँ रख दिया और उसको छोड़ दिया दिन भर के लिए, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, और दूसरे दिन सुबह गए 8:30 बजे और देखा कि उस डब्बे में कितना पानी भर गया है। एक छोटी सी अपनी डायरी ले गए, उसमें लिख दिया कि सुबह 8:30 बजे इतना, इतने सेंटीमीटर पानी भर गया था। फिर अगले दिन फिर गए, फिर देखा कि कितने सेंटीमीटर पानी भर गया, तो फिर लिख दिया। तो दिस काइंड ऑफ रेन गेज इज नोन एज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। समझ में आ गया, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। बहुत ज़्यादा फेमस एक जो है वो है सिमंस रेन गेज। सिमन रेन गेज जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस रेन गेज होता है। एक टाइप ऑफ रेन गेज है जो कि नॉन रिकॉर्डिंग कैटेगरी में आता है। रिकॉर्डिंग में बहुत सारे और होते हैं, नेचुरल साइफन, वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट, ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग में, पर उससे रिलेटेड बस आपको नाम पता होना चाहिए, वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट एंड नेचुरल साइफन, ये 3 प्रकार के होते हैं रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा सवाल, अगर सीवी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है और एप्सिलॉन हमारे पास अलाउेबल एरर है, तो क्या वैल्यू होगी ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस की? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस, रेन गेज तो समझ में आ गया कि क्या होता है, रेन गेज वो यंत्र होता है जिससे रेनफॉल को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है कि एक एरिया में कितने रेन गेजेस की आवश्यकता है, कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस एक एरिया में हमें जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जितने भी रेन गेजेस उस एरिया में पहले अवेलेबल हैं उनकी जो प्रेसिपिटेशन है उनकी सभी की वैल्यूज को लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जितने एरिया में जितने भी रेन गेजेस हैं उनकी सारी प्रेसिपिटेशन को लिया, उसका एवरेज निकाल लिया, फिर हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ N-1 रेन गेजेस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, P1 - P एवरेज की होल स्क्वायर प्लस P2 - P एवरेज का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय N-1। P1 P2 क्या है, इंडिविजुअल रेन गेज स्टेशंस, इंडिविजुअल रेन गेज स्टेशंस पे रिकॉर्ड की हुई प्रेसिपिटेशन, और P बार क्या है, मिनिमम सॉरी मीन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो सिग्मा N-1, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, हमने एवरेज प्रेसिपिटेशन निकाल लिया। तीसरा जो स्टेप होता है, यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द एवरेज प्रेसिपिटेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन को जब एवरेज प्रेसिपिटेशन से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। और चौथे नंबर पे हमारे पास होता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, जिसकी वैल्यू होती है सीवी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन की पावर 2, यानी कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन डिवाइडेड बाय अलाउेबल एरर। इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगी वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन। अज्यूम कर लेते हैं अगर ये वैल्यू 10 आ गई और मेरे पास वहाँ पे अवेलेबल जो रेन गेज स्टेशन है वो कितने हैं, मेरे पास अवेलेबल रेन गेज स्टेशन है 5 ही मेरे पास, तो एक्स्ट्रा कितने रेन गेज स्टेशन हमको वहाँ लगाने पड़ेंगे, वो होगी अवेलेबल रेन गेज स्टेशन जितने हैं माइनस एन ऑप्टिमम नंबर, सॉरी ऑप्टिमम नंबर पे जितने हैं, ऑप्टिमम नंबर माइनस अवेलेबल रेन गेज स्टेशन, अवेलेबल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस, ये हो गया। तो अगर ये वैल्यू 10 है और अवेलेबल 5 है तो हमें कितने एक्स्ट्रा चाहिए, 5 और रेन गेजेस की ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज। आई हैव कंप्लीटेड अप विद द टॉपिक ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन। होप यू पीपल लाइक डिट। अपने फ्रेंड्स को आगे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, लाइक करो, कमेंट करो इन वीडियोज़ पे। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगे वो मुझे बताओ, मैं और ज़्यादा इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और विद दिस आई वुड से थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू मीट यू इन अनदर कोर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। थैंक यू।